A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is Vector and the 3D. In this lecture, I am going to take the next concept that based on the product of the vector. As you already know about that, there is two types of the vector products. First one is called the scalar product and second one is called the vector product. I already explained each and every concept related to the scalar product in my part 6 video, because I taken a series of conceptual video related to the vector as well as 3D. So this one is the 7th part. So I already explained in my previous one video. Now I am going to take the next concept, vector product. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because I am going to take a most important concept that has so many wide applications in your physics also. So, we start with our vector product. Most of the students say that, sir, yes, sir, we know what is vector product, what is A cross B. But actually, how it is and its exact meaning they don't know. Definitely, when I will tell you, you will see what you actually know or not know. आप कहोगे सर ये तो नहीं पता था हमें. क्यों नहीं पता था? क्योंकि जस्ट आप फॉर्मूले को लर्न करते हो, रटाफिकेशन करते हो और कहते हो कि ये सर ये लोग हमें वेक्टर प्रोडक्ट आते हो. ये इतना इजी टॉपिक नहीं है. और आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इट्स वेरी वेरी इजी. कैसे है उसको समझना है. स्क्वेलर प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाएगा. यदि नहीं देखा तो यहाँ डाउट रह जाएगा. फिर भी मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे आपके हर टाइप के डाउट क्लियर हो जाए. क्योंकि आपका यदि पर स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना और फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगी. तो अब यहाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे हम टू वेक्टर्स की प्रोडक्ट करेंगे. और यहाँ वेक्टर क्यों नाम दिया, वहां पे स्केलर नाम था. क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमें क्या मिलता था, स्केलर क्वांटिटी मिलती थी. जहां पे हम दो वेक्टर की प्रोडक्ट करेंगे और हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी भी हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी. इट मीन्स जब ऐसी दो क्वांटिटी होती है जिनकी प्रोडक्ट से आपको एक न्यू क्वांटिटी मिलती है, वो क्वांटिटी भी वेक्टर नेचर की होती है, तो उसका रिजल्ट किसके थ्रू फाइंड आउट करते हो? वेक्टर प्रोडक्ट. और जब आपके पास दो ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन जो उनका रिजल्टेंट होता है, उनसे जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, तो उसका रिजल्ट किससे फाइंड आउट किया जाता है? यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट से. तो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ हम दो क्वांटिटी बढ़ेंगे, इट मीन्स दो वेक्टर्स की बात करेंगे और दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका एक वेक्टर ही आएगा. कैसे आएगा उसको देखेंगे. तो सबसे पहले आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे लिखते थे. मैं आपको थोड़ा सा कंपेरिजन करना सिखाऊंगा. ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा. This one is what? This is our scalar product. तो ये हमारी scalar product है. और scalar product को हम dot product भी कह देते हैं. Dot product भी कहते हैं. तो आपको यहाँ symbol में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ A dot B. तो यहाँ पे dot दिखाई दे रहा है तो आपको naturally याद भी बोलने भी आ जाएगा कि A dot B. यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट. और क्रॉस का मतलब तो पता ही है, जब आपका क्वेश्चन गलत होता है तो एग्जामिनर क्रॉस लगाता है. सेम वही साइन. इसका मतलब यहाँ पे आपको दो वेक्टर की क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो उसका सिंबल क्या होगा, क्रॉस ही होगा. क्लियर है? तो यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? A क्रॉस B इक्वल टू होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा. यहाँ पे क्या आया, कोस थीटा. यहाँ क्या आया, साइन थीटा. बट आपको पता है यहाँ पे A मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, B मैग्नीट्यूड वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और साइन फंक्शन ये भी आपको एक स्केलर वैल्यू देते हैं. तो यहाँ वेक्टर कहाँ मिला? नहीं, क्योंकि अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई. यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा इनटू में यहाँ पे क्या आता है, एन कैप. इसको कहते हैं एन कैप. एन कैप इज व्हाट? एन कैप इज योर नॉर्मल वेक्टर. इसको आप कह सकते हो. सबसे पहले मैं इन सभी को डिफाइन करना चाहता हूं.
तो ये तो पता है आपको ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। और यहाँ थीटा की जब हम बात करते हैं, थीटा इज क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है आपका, एंगल है बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आपका नाम है थीटा। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे हमारा थीटा क्या था, एंगल था बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर रोटेशन मैटर नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर रोटेशन मैटर करती है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे रोटेशन इज इंपॉर्टेंट इज मैटर, जबकि यहां पे रोटेशन इज नॉट मैटर। इसका मतलब यहां पे रोटेशन आपको देखने की जरूरत नहीं थी, बट यहां पर रोटेशन आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि रोटेशन के अकॉर्डिंग ही आपका जो यहां पे वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शंस आपको पता चलेगी। तो रोटेशन आपको पता है दो टाइप से रोटेशन होता है, कौन कौन सा रोटेशन होता है, या तो वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, या दूसरा कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दो टाइप से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको सीखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस आएगा, उसके लिए आपको पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हम थीटा की जो बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ हम थीटा की बात करेंगे 0 डिग्री से पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, इट मीन्स हम एक हाफ रोटेशन की बात करेंगे। तो आपको पता है कंप्लीट एक रोटेशन करते हैं तो आपको कितने डिग्री का एंगल मिलता है, 360 डिग्री का। तो हाफ रोटेशन करेंगे तो मीन्स 180 डिग्री, तो हम हाफ रोटेशन की भी बात करेंगे, क्यों, क्योंकि हाफ रोटेशन में ही आपका एक मीनिंग निकल के आता है। क्या मीनिंग निकल के आता है उसको समझिए, जैसे हम यहां से रोटेशन की बात करते हैं, आप जैसे यहां से रोटेट करते हो तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका, 180 डिग्री का, क्लियर। अब यहां से देखिए डायरेक्शन कहां पर है, क्लॉकवाइज ऐसी होती है, तो ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं दूसरी की बात करता हूं, अब यहां से पहले एंगल देख लीजिए, यहां 0 डिग्री का है, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहां पर कोस की कितना एंगल बन गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम सिंपली क्या लिख देते हैं, पाई भी लिख सकते हैं इन रेडियन में। ऐसे जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज की बात करते हैं, यहां पे मूव करना स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो ये डायरेक्शन कौन सी बन गई हमारी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एंगल कहां से मूव होता है, 0 डिग्री से ही मूव होता है, लेकिन कहां आ जाता है, माइनस के 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है जो एंगल्स होता है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहां पे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां दिखाई दिया कि जस्ट ओनली द रेफरेंस क्या है, या हम जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई बॉडी को मूव करा रहे हैं, इट मींस हम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। जब आप मूव करा रहे हो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट मींस हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं। तो एंगल तो वही रह जाएगा आपका 0 से 180 डिग्री, जहां पॉजिटिव होगा वहां क्या काउंट हो जाएगा, नेगेटिव काउंट हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी हम वहां वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे वहां पे एंगल कितना लेंगे हम, 0 से लेकर पाई, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे अपनी आगे टर्म डिफाइन करते हैं। अब आपको पता चला कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n। अब इसको कहते हैं हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्या कहते हैं इसको, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ n कैप, यहाँ जो n कैप है इसको लिखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब आपको ये पता चल पा रहा होगा सर ये क्या मतलब है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसका एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट,
नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम दो वेक्टर्स लेते हैं, जैसे देखता हूं मैं यहां पे, मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, दिस वन इज माय ए वेक्टर, और ये वेक्टर लेता हूं मैं, दिस वन इज माय बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल ले लेता हूं, सपोज करता हूं एंगल कैसे बन रहा है, दिखाई दे रही है आपको डायरेक्शन कौन सी ले ली मैंने, क्लॉक वाइज। ठीक है, यहाँ पे 3D व्यू बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट मीन्स यहाँ पे बी वेक्टर मूव हो रहा है अलोंग कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, वहां से आपको एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर पर भी और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा ऐसे, दिस वन इज योर नॉर्मल वेक्टर, और यूनिट क्यों कहा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, वन। क्लियर है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया था यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब यहां पे डिपेंड करता है कि सर आपने ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनाई, आपने नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाई, तो मैं आपके क्वेश्चन से बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, यस आपने बिल्कुल सही सोचा, तो मैं नीचे भी बना सकता हूं, ये देखिए, तो ये भी नॉर्मल वेक्टर होगा। अब आप कहोगे सर वेक्टर तो ओनली डायरेक्टेड वेक्टर होता है, तो आप ऐसे दो वेक्टर कैसे बना सकते हो कि दो वेक्टर है और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके आपने यहाँ दो वेक्टर बना दिए, दो वेक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो रिजल्टेंट आ जाए, तो क्या ऐसा कोई रिजल्ट है जिसकी रिजल्ट दो डायरेक्शंस में हो, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम बात किस चीज की करना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की। तो जब हम यहाँ पे जो दो वेक्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। अभी मैं यहाँ पे दोनों एरो हेड लगा देता हूँ, ये यहाँ पे, तो अभी मैंने डिफाइन नहीं करा कि मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं या मैं एंटी क्लॉक ले रहा हूं, तो अभी क्वेश्चन सस्पेंस है। अब मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस क्या है, उसको समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि दो वेक्टर कैसे दिखाई देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ये दो वेक्टर है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं ये, यस, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये दो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, इस वेक्टर में और उस वेक्टर में कुछ ना कुछ एंगल है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इससे परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने वो उसके लिए थंब यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए, यस, ये दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल दिखाई दे रहा है, कुछ भी एंगल हो, सपोज करा कुछ भी एंगल बन रहा है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर जो आपको एरो हेड दिखाई दे रहा है थंब की डायरेक्शन, इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर पर ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे हम, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन है और ये नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है ऑन दोस टू वेक्टर्स। लेकिन आपने कहा सर ये ऐसे भी तो हो सकता था, मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूं तो भी तो हो सकता है, सर ये तो अभी एंगल भी हो गया और अभी भी ये वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं कि यस आपका आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है। इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं और आपको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहां पे दो पेन लिए, ठीक है, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं दो पेन, इसको ध्यान से समझिएगा, दिखाई दे रहा आपको दो पेन, यस दिखाई दे रही है ये, यस, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। अब यहां पे एक वेक्टर ये हो गया, देखिए ये वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर है, और इस पे देखोगे तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इस पे देख लो, इस पे भी परपेंडिकुलर है,
और इस पे देखोगे तो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ऐसा ही वेक्टर नीचे भी बन सकता है। ये देखो यहाँ पे ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और ये इस पे भी बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। देखो इसका मतलब डायरेक्टेड वेक्टर हमारा यहां भी हो सकता है और डायरेक्टेड वेक्टर नीचे भी हो सकता है। अब कौन सा काउंट होगा, ऊपर वाला काउंट होगा या नीचे वाला काउंट होगा, उसके लिए यहाँ पे एक राइट हैंडेड थंब रूल यूज किया जाता है। इट्स सो सिंपल रूल है जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। उसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे एक स्क्रू मेथड होता है, जैसे आप पेच जिसे हिंदी में कहते हो स्क्रू। आप जब कभी आप पेच लगाते हो दीवार में, जब कभी आप एक पेच लगाते हो, इट मीन स्क्रू लगा रहे हो, तो स्क्रू कैसे लगाते हो? जैसे मैं इस मार्कर हो, ये मान के चलिए ये मेरा स्क्रू है, जब मैं यहाँ पे इसको वॉल पे लगाना चाहता हूं, तो आप इस स्क्रू को कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, ऐसे रोटेट करोगे। कौन सी डायरेक्शन है ये? दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस स्क्रू को ऐसे जब रोटेट करते हो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेचुरली स्क्रू कहां जाता है? अंदर जाता है, अंदर जाता है। दोबारा देखिए, जब आप स्क्रू को वॉल पे टाइट करते हो, तो जब आप उसको क्लॉकवाइज मूव करते हो, ऐसे मूव करते हो, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू अंदर की साइड जाएगा, अंदर की साइड जाएगा। इसका मतलब क्या है? यदि वेक्टर हमारे क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, तो यहां पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की साइड होगा। क्लियर है? और अब स्क्रू को जब आप लूज करते हो, आपका सपोज करो स्क्रू खराब हो गया, तो आप उसको ओपन करते हो, निकालते हो, निकालते हो, तो स्क्रू को कौन सी डायरेक्शन मूव करते हो? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही मूव करोगे अपोजिट, ऐसे ऐसे करते हो तो क्लॉकवाइज हो गई। अब स्क्रू को कैसे मूव करोगे आप? ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? देखो ये क्लॉकवाइज है ना, तो स्क्रू को ऐसे ही टाइट कर रहे हो, ऐसे करके कर रहे हो, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब आप इसको निकालते हो तो उल्टे घूमते हो, उल्टे घूमे, इट मीन्स कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू कहां आता है? बाहर की साइड आता है। इसका मतलब जब वेक्टर्स कैसे मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो उनका नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड, आपकी साइड आएगा। समझ आया? तो यहां पे जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर कहता हूं ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और एंगल ये बन रहा है। अब एंगल कौन सा बन रहा है आपका? ये कौन सी डायरेक्शन है ये? ऐसे तो देखो वॉच ये होती है, 1, 3, 4, 6, 9 ऐसे होती है। अब देखिए कैसे मूव हो रहा है, ऐसे, इट मीन्स क्लॉक तो ऐसे मूव करती है, ये अपोजिट हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर कहां बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तुम्हारे स्क्रू, एंटी मतलब ओपन करोगे, उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो स्क्रू आपकी साइड आएगा, इट मीन्स आउटवर्ड। तो इसको शो करने के लिए मैं ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये बाहर की साइड है ना, तो ये डायरेक्शन होगी। अब मैं इसको दिखा तो नहीं सकता यहाँ पे, इससे थोड़ा रोटेट करके नीचे की साइड कर देता हूं ये चीज। ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? आउटवर्ड। समझ आ गया आपको? ऐसे ही जब आप उस स्क्रू को अंदर की साइड करते हो, क्लॉकवाइज मूव करते हो, तो अब मैं इसको क्लॉकवाइज मूव कराता हूं, ये माई ए वेक्टर है और ये माई बी वेक्टर है। अब यहां देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है? ये मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? क्लॉकवाइज में। तो दिस मूवमेंट इज इन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, इट मींस आपका स्क्रू कहां जाएगा? अंदर की साइड। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज,
तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है? दो वेल, देखो यहां पे समझ के चलिए, ये दो वेक्टर है, ठीक है, मैं इसको मानता हूं ये दो वेक्टर है भाई। तो यदि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये आपको दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, तो वेक्टर मेरा अंदर की साइड, क्या दिखाई दे रहा आपको, ये मतलब अंदर की साइड मेरी साइड आएगा, और डायरेक्शन ऐसे हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये तो थी एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या है, इनवर्ड है, और एंटी क्लॉक में आउटवर्ड डायरेक्शन यहां आएगी, तो ये इनवर्ड हो गई और ये आउटवर्ड हो गई। तो ये डिफरेंस होता है वेक्टर के रोटेशंस में। तो यहां पे जो मैटर है वो रोटेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इसका वेक्टर दिखाओगे तो यहां ऐसे दिखा सकते हो नॉर्मल वेक्टर, और ये वेक्टर कहां आएगा, इनवर्ड आएगा। तो डायरेक्शंस आपको पता होगी तो आप इसको सोल्व करना, इट्स सो सिंपल। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्केलर प्रोडक्ट होती है तो वहां पे आपको एक यूनिट वेक्टर भी मिलेगा और उसकी डायरेक्शंस नॉर्मल होगी। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, और आउटवर्ड को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं मैं तो डायरेक्शन क्या मिलेगी मुझे, इनवर्ड। क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो कैसे मिलेगी मुझे, इनवर्ड। सो दैट इज द बेसिक रूल। तो ये था छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट अबाउट द क्या होती है आपकी स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, क्लियर है। अब हम इसकी धीरे धीरे आप एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सा रूल देखते हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। ऐसे ही जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं ए क्रॉस बी, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ पे हमने केस, सबसे पहला केस स्टडी किया था कि केस वन लेके चलता हूं मैं सबसे पहले, कि इफ ए वेक्टर ये भी जीरो है और बी वेक्टर ये भी जीरो है, मतलब आपके दोनों वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है, इट मींस इनका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन रैंडमली हो सकती है कुछ भी, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो आप इसका मतलब ये कह सकते हो कि उनकी डॉट प्रोडक्ट पे क्या आएगी, जीरो ही आएगी, क्योंकि तो यहाँ पे ए डॉट बी है। तो देखिए यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, यदि ए वेक्टर जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट जीरो मिलेगा, बी का मैग्नीट्यूड जीरो है तो बी से करोगे तो भी जीरो मिलेगा। सेम हियर, यहां पे भी सेम होगा, यहां पे भी यदि ए वेक्टर जीरो हो और बी वेक्टर भी आपका जीरो वेक्टर है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम जीरो लिख सकते थे क्योंकि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, जीरो वेक्टर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा क्योंकि रिजल्टेंट आपको हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, क्लियर है। फिर हम सेकंड केस की बात करते थे कि बाय चांस ये मान लेते हैं हम सेकंड केस, केस सेकंड, इफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो B vector is not equal to 0 and A vector dot B vector is equal to 0 है। क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा कि A vector भी अब 0 नहीं है, B vector भी अब 0 नहीं है, but ये कहा कि A vector dot B vector क्या है, आपका 0 vector है। तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या कहते थे हम, आपको ऑलरेडी पता है यदि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है और दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है तो भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिनसे उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। कैसे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिपेंड करती है थ्री फैक्टर्स पर, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर इज कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस ये ट्रू हो सकती है यदि cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्योंकि
क्योंकि ये वैल्यू जीरो नहीं है, ये वैल्यू जीरो नहीं है, बट कोस थीटा जीरो है, तो रिजल्टेंट तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो ये ट्रू हो सकता है जब कोस थीटा इज जीरो हो, और कोस थीटा की वैल्यू जीरो कौन से एंगल पर होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब यस, ये ट्रू किसके केस में हो गया, परपेंडिकुलर के केस में ट्रू है ये। तो हम जहां भी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन द स्क्वायर प्रोडक्ट, वहां पे क्या था कि यदि वेक्टर्स ऑर्थोगोनल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप डायरेक्टली यूज करते थे कि देयर डॉट प्रोडक्ट शुड इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉस थीटा क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। सेम केस यहाँ भी अप्लाई करते हैं, तो हम यही केस यहाँ भी कहते हैं सेम यहाँ पर, कि यहाँ पर ए वेक्टर भी जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है। क्या कहा मैंने, सेम, इफ यदि यहाँ पर भी आपका जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, बट जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, वो आपका रिजल्ट जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज कि जो साइन थीटा है वो क्या बन रहा होगा, जीरो बन रहा होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पर, और साइन की वैल्यू जीरो कौन से एंगल पर होती है, जीरो डिग्री पर। इट मींस थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, और थीटा इज जीरो डिग्री का मीनिंग क्या है, इसका मतलब जब हम ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं, बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल क्या होता है, थीटा। और जब थीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, आपका ए वेक्टर भी यही बनेगा और बी वेक्टर भी कहाँ बनेगा, यही। इट मींस वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल, और पैरेलल के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, जीरो डिग्री का। इट मींस यहां से रिजल्ट आ गया कि वेक्टर्स आपके पैरेलल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आप लिख सकते हो यस, तब जब क्या कंडीशन हो, पैरेलल, क्लियर है। तो याद रखिए ये पहला डिफरेंस हो गया स्केलर प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में। जब कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन आपसे वेक्टर का पूछा जाता है और आपसे ये कहते हैं कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर आता है तो आप डॉट प्रोडक्ट पे आ जाइए, क्योंकि वहां से आपको राइट हैंड साइड तो जीरो मिलेगी मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू सॉल्व की जा सकती है इस ट्रिक से, कह सकते हो। ऐसे ही जब आपको कोई अनडिफाइंड चीज फाइंड आउट करने को कहता है और वो कहता है कि ये वेक्टर्स आता है पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर आपके पास आते ही आपके माइंड में चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, यस, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो वेक्टर आएगी। तो आपके माइंड में ये क्लियर होगा, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, आई होप आपको ये दोनों चीज कंपैरिजन समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब हम कुछ और प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि इफ A क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर है, क्या मतलब है इसका, अब आपको पता है A वेक्टर और A वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है। अब सेम वेक्टर इट मींस क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो डिग्री, क्योंकि आप दो वेक्टर और दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है तो सेम डायरेक्शन भी होगी, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा, जीरो डिग्री का। और जीरो डिग्री का पता है तो आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो डिग्री होता है जीरो, इट मींस आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे, ए क्रॉस ए की, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों में थीटा की वैल्यू जीरो, तो थीटा इज जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो, तो ए क्रॉस ए क्या आ रहा आपका, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे ए वेक्टर है और दूसरा भी ए वेक्टर है, तो ये क्या कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है। और क्या आएगी, ए और ए इक्वल भी है, तो पैरेलल और इक्वल दोनों का सेटिस्फाई करता है। अब ये यदि मैं इसकी बात करता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर
ये रिजल्ट भी आपका जीरो है। क्या कहा मैंने, ए क्रॉस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको डायग्राम की हेल्प से देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ए वेक्टर की बात करते हैं, दिस वन इज माई ए वेक्टर, इसका निगेटिव करना है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा। अब इन दोनों वेक्टर में जरा ध्यान से देखिए कि कितने डिग्री का एंगल बन गया यहां पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको ये पता ही है साइन 180 डिग्री कितना होता है, वो भी जीरो होता है। जिसको ये नहीं पता वो 90 प्लस 90 से निकाल सकता है, क्योंकि साइन 90 पे चेंज हो जाता है कॉस 90 पे, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो इक्वल तो नहीं है, नेगेटिव वेक्टर है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शंस भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। तो आपको पता है डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो, मतलब ये क्या कंडीशन निकल गई, ये कंडीशन आ गई आपकी कोलिनियर की। तो आप यहाँ पे कोलिनियर वर्ड भी यूज कर सकते हो, मतलब ये दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो डिग्री आएगी। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द कोलिनियर। जहां पे आपने परपेंडिकुलर वर्ड सुना वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करिए, जहां कोलिनियर की बात करेंगे वहां क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो यूज करिए। तो इससे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम कुछ और कंसेप्ट लेते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट ले लेते हैं, मैं बात करता हूं कि ए क्रॉस बी वेक्टर, नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यदि थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई जाए। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, नेवर भी नेगेटिव। क्यों, आप सिंपल तरीके से आप ये बता सकते हो कि a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड तो नेवर भी नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड नेवर भी नेगेटिव। और साइन थीटा की बात करते हैं, ये 0 से 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में क्या होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होता है। कि साइन थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। और एन क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, और ये उसी की डायरेक्शन में मिलेगा जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो दैट नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं स्पेस वेक्टर की, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट अगेन दिस। नाउ लुक एट द, अब हम स्पेस कोऑर्डिनेट बनाते हैं, उसकी हेल्प से कुछ और समझेंगे। दिस इज माई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आप किससे डिनोट करते हो, आई से, आई कैप। y एक्सिस का यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं, j कैप। और kx, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है k। अब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, आपको ये ऑलरेडी पता है, x y z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यदि हम x एंड y की बात करेंगे तो भी उनके बीच में एंगल 90 डिग्री,
वाई और जेड एक्सिस की बात करेंगे वो भी 90 डिग्री, एक्स और जेड एक्सिस की बात करेंगे वो भी 90 डिग्री। इसको ध्यान से देखिए, इनके बीच में 90 डिग्री है, इसको देखोगे तो इनके बीच में 90 है, इसको देखोगे इनके बीच में 90 है। अब किसी भी दो एक्सिस को देखिए, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। अब हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं, सपोज अभी हम बात करते हैं ये आई है और ये जे एक्सिस है। अभी मैं इसकी बात करता हूं, ये रोटेशन कौन सी रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, तो मैंने कौन कौन सा वेक्टर लिया, आई और जे। तो आई यूनिट कैप वेक्टर और जे यूनिट कैप वेक्टर, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री क्या दिए। अब मैं यहां पे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूं, इसका मतलब आई क्रॉस जे। तो सिंपल सा रूल क्या है, सबसे पहले आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, फिर इनटू में यूनिट वेक्टर एन। क्लियर, आपको पता है कि आई जे के आधा यूनिट वेक्टर्स है, और यूनिट वेक्टर है तो इट मींस इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड इज 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इनटू साइन 90 भी 1 हो गया, इनटू में यूनिट वेक्टर। इसका मतलब आई क्रॉस जे आपको क्या मिला, एन वेक्टर। मतलब आपको आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है एन वेक्टर, और आपको पता है ये नॉर्मल वेक्टर है। समझेगा कॉन्सेप्ट, दिस वन इज क्या है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, और आपको पता है नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर होता है ऑन बोथ ऑफ द वेक्टर। तो मतलब आई और जे पर ऐसा कौन सा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर दिखाई देता है, नेचुरली आपको दिखाई देगा कि आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, जेड, और जेड का मतलब क्या है के। तो इसका मतलब ये के एन क्या है, यहाँ पे हमारा के वेक्टर है। तो आपको यहां से रिलेशन मिल गई आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। यहां तक समझ आया आपको, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है के। ऐसे आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं सिमिलरली लिखना चाहूंगा J क्रॉस K, J और K, मतलब J ये है और K ये है, इन दो वेक्टर पेपर नॉर्मल वेक्टर कौन सा है आई, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल, तो इन दोनों वेक्टर पे नॉर्मल कौन सा हो गया आई, इसका मतलब J क्रॉस I किसके, J क्रॉस K किसके इक्वल हो गया आई कैप, ये दूसरा रूल आ गया। ऐसे थर्ड में K और I की बात करता हूं, K क्रॉस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K और I पे कौन सा वेक्टर नॉर्मल है, J के। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो अभी हम देखिए मूव कहां कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इतना समझ आया। तो ये वैल्यू आपको I क्रॉस J, यहां ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक समझिए, I के बाद J आता है, तो I और J के बाद इनका रिजल्टेंट क्या मिला आपको, नेक्स्ट K, फिर J आया, J के बाद क्या आता है K, तो J और K का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको I, फिर हम K से स्टार्ट करते हैं, K के बाद रिपीट करके क्या आ जाएगा I, और इन दोनों का क्या आ जाएगा J। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में सीक्वेंस आपने नहीं यूज इग्नोर करने, बीच में छोड़ने नहीं है, आई के बाद जे आएगा फिर के। तो ये जब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, रोटेशन आपके सेम है, तो इसका मतलब आपको रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो अगेन मेक अ नोट, अब हम थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज करेंगे और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। अब यहां समझिए, अब हम बात करते हैं अपोजिट, अब मैं रोटेशन चेंज कर रहा हूं, रोटेशन ये कर रहा हूं,
जे और आई ये कौन सी रोटेशन से हो गई? क्लॉकवाइज। तो मैं बात करता हूं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आपको पता है एंगल क्या होता है? नेगेटिव। तो आप एंगल को यूज करोगे नेगेटिव। अब यहां देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जे और आई की क्रॉस प्रोडक्ट। जे क्रॉस आई, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अप्लाई द फॉर्मूला क्या था? जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट कैप। अब यहां देखिए एंगल क्या होगा? नेगेटिव। यहां पता है आपको, यहां पे जे एंड आई यूनिट वेक्टर में एंगल कितने डिग्री का है? 90। बट काउंट क्या होगा? थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपको यहां पुट करेंगे साइन 90। आपको पता है साइन 90 होता है, एंगल नेगेटिव बाहर आ जाता है। इट मीन्स ये बन जाएगा आपका माइनस साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1। इट मीन्स माइनस 1 आपको मिलेगा, माइनस 1। अब यहां पुट करिए जे क्रॉस आई इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा की वैल्यू आई आपकी -1, और ये नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब आपको रिजल्ट क्या मिल गया? निगेटिव ऑफ नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब मिलेगा तो वही नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब जे और आई एक्सिस पे नॉर्मल वेक्टर कौन सा है? के। लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो डायरेक्शन कहां मिलेगी आपको? निगेटिव में। इसका मतलब आपका ये के वेक्टर मिलेगा, निगेटिव ऑफ के वेक्टर। तो आपको यहां से रिजल्ट क्या मिल गया कि जे कैप आई कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा? के। ऐसे ही जे और आई की तरह आप के की और आई की करोगे तो क्या मिल जाएगा? निगेटिव जे। और जे और के की करने के बजाय आप के और जे की करोगे तो क्या मिल जाएगा? निगेटिव। समझाया? मतलब आई के बाद जे और के, ये सीक्वेंस यूज करोगे तो क्या यूज करोगे आप? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप उल्टी करते हो, पहले जे आता है फिर आई, तो एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव यूनिट वेक्टर। तो यहां से रूल क्लियर हो गया आपके। तो यहां से आपने क्या देखा? यहां से हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आया। क्या वो रूल आया? आप उस रूल को देखिए, इसके लिए एक बार प्लीज मेक अ नोट। अब यहां से देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई। कैसे आई? आपने यहां क्या एनालाइज करा? देखिए, आपने आई कैप क्रॉस वेक्टर जे फाइंड आउट किया, क्या रिजल्ट आया आपको? के। फिर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने क्या यूज करा? रोटेशन चेंज कर दी, जे और आई, तो क्या वैल्यू आई? निगेटिव वेक्टर, ये रिजल्ट आया। तो आप इसको, मैं स्टैंडर्डाइज रिजल्ट बनाता हूं तो क्या रिजल्ट मिलता है? यहां मैं ए और बी वेक्टर ले लेता हूं, इसका मतलब मैंने ए ए क्रॉस बी वेक्टर करता हूं तो रिजल्ट मान लेता हूं कुछ भी आता है। यदि मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं बी क्रॉस ए, यहां क्या दिया, दिखाई दिया आपको कि दोनों का रिजल्ट सेम है, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई का रिजल्ट सेम है, दोनों में के वैल्यू आई है, लेकिन साइन क्या हो गया? निगेटिव। इट मीन्स नेगेटिव। इसका मतलब ए क्रॉस बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है? जो स्केलर प्रोडक्ट थी वो कॉम्यूटेटिव थी, लेकिन यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नेचर की नहीं है, ये चीज नोट करनी है। तो आप यहां पे लिख सकते हो जो स्केलर प्रोडक्ट है मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए इज कॉम्यूटेटिव होती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव।
ये चीज समझा गया। तो जब भी आप ऑर्डर को चेंज करोगे, ए क्रॉस बी को आप लिखना चाहते हो बी क्रॉस ए, तो आपको निगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। ये भी रूल क्लियर हो गया। तो अगेन मेक अ नोट, अब यही रिजल्ट हम सेम वेक्टर पे अप्लाई करते हैं, मतलब पैरेलल वेक्टर पे। देखिए आई कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करिए आई कैप से, तो क्या रिजल्ट आएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन नॉर्मल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन और साइन थीटा, क्योंकि आई क्रॉस आई थीटा की वैल्यू के बीच में क्या मिलेगी? जीरो, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं? आई क्रॉस आई, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर तो सेम है और दो वेक्टर सेम है, इक्वल है, इट मींस वो सेम पैरेलल डायरेक्शन है। तो पैरेलल की एंगल कितने डिग्री का होता है? जीरो डिग्री का। तो आई क्रॉस आई मींस दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल जीरो डिग्री का बनेगा, और थीटा इज जीरो तो साइन जीरो इज क्या होता है? जीरो। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? जीरो ही मिलेगा, चाहे इसके बाद कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, क्योंकि एक बार जीरो मिल गया, जीरो मल्टीप्लाई विद एनी नंबर वी गेट जीरो। इसका मतलब क्या मिल गया आपको? दो इंपॉर्टेंट और रिजल्ट मिल गए कि आई क्रॉस आई ये क्या होता है? जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे ये भी क्या होगा? जीरो। के क्रॉस के ये भी क्या होगा? जीरो। क्लियर है? जबकि डॉट प्रोडक्ट की बात करते थे, वहां डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या सीखा था? सीखा था कि आई डॉट आई इज वन, जे डॉट जे इज वन, के डॉट के इज वन, इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या है हमारी? डॉट प्रोडक्ट। और ये क्या है हमारी? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गए? बाकी सारे रूल आपको ऑलरेडी पता है कि I dot J या J dot K या K dot I, ये सारी वैल्यू क्या होती थी वहां पे? जीरो होती थी, और यहां पे क्या आएगी? I cross J is equal to K, J cross K is equal to I, K cross I is equal to J, और J cross I is negative K, K cross J is negative I, ऐसे ही क्या रह गया? I और K, K cross I negative J। तो ये स्टैंडर्ड सा रिजल्ट बन गया, जो आपकी एल्जेब्रिक टाइप से इक्वेशंस आएगी वेक्टर एल्जेब्रा, उसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा इन रिजल्ट की हेल्प से। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको एंगल फाइंड आउट करना हो बिटवीन टू वेक्टर, तो एक तो वही रूल था डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल फाइंड आउट कर सकते थे, यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है तो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे? हम अपने रूल को पे ही फोकस करते हैं। हमारा रूल क्या था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? थीटा एंगल निकालना है, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, दोनों साइड हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। यदि हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? यहां से रिजल्ट मिलेगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, यहां से ए मैग्नीट्यूड का फिर से मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड का फिर से मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड और एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां से तो रिजल्ट हम इसी को यूज करते हैं ए क्रॉस बी। अब किसी का मैग्नीट्यूड फिर से मैग्नीट्यूड निकालोगे इट मीन्स तो वही रिजल्ट आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
तो यहां से दोबारा का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, एक ही मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हो ये मैग्नीट्यूड, सिमिलरली इसको भी पी मैग्नीट्यूड, यहां साइन थीटा का मैग्नीट्यूड है, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आपने क्या कर दिया, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी आपको, ठीक है। और एन ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, इसका मतलब यहां से आपका यूनिट वेक्टर रिमूव हो गया इनटू में वन। अब आपको थीटा निकालना है तो पहले इसको डिवाइड में ले जाइए, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस साइन को यहां से रख जाइए, साइन को उधर ले आइए, साइन इनवर्स, तो ये क्या बन गया आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला बन गया, जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी हो और आपसे कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप ये यूज कर सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और पूरे का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी जगह यूज होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब कुछ फॉर्मूले जो है वो आप याद कर सकते हो, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको और डिटेल करेंगे तो डेरिवेशन ड्राइव होगी, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ देखिए हम कुछ फॉर्मूले याद रखना ताकि इसके बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सको। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन इट्स एरिया, इसका मतलब आप वेक्टर में भी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये ए वेक्टर दिया गया है, दिस वन इज बी वेक्टर, ये दोनों क्या है दो एडजेसेंट साइड है, किसकी है ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल से जो आपका ये ट्रायंगल बन गई, तो इस ट्रायंगल का यदि आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो सिंपली क्या होगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करिए ए क्रॉस बी, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और फिर डिवाइड बाई टू, तो दिस वन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे यहां पैरेललोग्राम का भी है, यदि ए और बी रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो उनका भी एरिया कैसे निकाल सकते हो, सेम बस इस टू को रिमूव कर देना, क्या मतलब है, जैसे ये पैरेललोग्राम आ गया आपका, ये आपकी ए साइड है और ये बी साइड है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या है एडजेसेंट वेक्टर है, तो ये दोनों के दोनों एडजेसेंट वेक्टर आपको गिवन है और आप इसका एरिया निकालना चाहते हो, किसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सिंपली क्या करना है आपको ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यहां लिख दिया इज गिवन बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और जब आपको पैरेललोग्राम दिया गया हो लेकिन उसकी एडजेसेंट साइड ना देके आपको क्या दे दिया गया, डायगोनल दे दिया जाए, जैसे एक डायगोनल ये हो गया, सेकंड डायगोनल ये हो गया, यदि आपको डायगोनल दे दी जाए तो कैसे एरिया फाइंड आउट करोगे, सेम रूल है, दोनों डायगोनल की क्या करिए क्रॉस प्रोडक्ट करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टू से, तो जस्ट लाइक इस टाइप से मैच करेगा। यहां देखिए यदि ए और बी आर द टू डायगोनल्स, यदि हम इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते, ये दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं डायगोनल, साइड नहीं है ये, तो इनका एरिया क्या होगा 1/2 दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूं, जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो और दो एडजेसेंट साइड निकाल लीजिए दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करिए उसका मैग्नीट्यूड, वो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल देगा। यदि आपको दो एडजेसेंट साइड दी गई है पैरेललोग्राम की तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए दोनों का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो उससे क्या निकल जाएगा आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और जब आपको दो एडजेसेंट साइड ना देके आपको दो डायगोनल दे दिए जाए पैरेललोग्राम के तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करिए और उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और उसका हाफ कर दीजिए, तो उससे क्या निकल जाएगा आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के दो मेथड है यहाँ पे, या तो आपको एडजेसेंट साइड दी जाए तो भी आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल सकते हो, या आपको क्या दी जाए
उसके डायगोनल दे दिए जाए तो भी आप क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग किसकी हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये तीन फॉर्मूले जो है ये आपको याद रखने हैं, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको क्रॉस फैक्टर प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से भी आपको पता होना चाहिए कि आप यदि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हो तो कैसे अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, और वेक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पे वेक्टर की बात करेंगे, तो आप देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, यह है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है कि ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी में लिख सकते हो। ऐसे ही यहां पे एसोसिएटिव लॉ भी होता है, दो और स्केलर। स्केलर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ए वेक्टर क्रॉस n इंटू बी वेक्टर है, ठीक है, n की जगह पे यहां पे m ले लेते हैं, सपोज यहां पे n क्या है आपका, n स्केलर, ये कोई भी आपका स्केलर है। स्केलर समझते हैं ना, कोई भी ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, यहां पे नंबर भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आप इसको आप हाँ इसके जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसको आप एसोसिएटिव लॉ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आपका रिजल्ट ये है m इंटू बी क्रॉस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n क्रॉस b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m a क्रॉस b। इट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है ओवर स्केलर। मतलब क्या, सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इसको स्केलर नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल a वेक्टर मल्टीप्लाई टू b वेक्टर, तो आप उस 2 को कहीं भी मूव करा सकते हो, इसे आप कहीं भी मूव करा सकते हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगी, तो प्लीज मेक अ नोट। अब यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी कर आनी चाहिए। अब हम डिटर्मिनेट फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्म किसकी, ए क्रॉस बी वेक्टर, मतलब यदि आपको दो वेक्टर दे दी जाए तो आप उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो जो आपने मैट्रिक्स मेथड में सोल्व किए थे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेट कर लेता हूं ए वेक्टर इज माय ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसको लेट कर लेट, जैसे मैंने यहां पे ए वेक्टर किया ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ऐसे ही मैं बी वेक्टर लेट कर लेता हूं ए टू आई बी टू जे प्लस सी टू के। अब आपको इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो देखिए ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिटर्मिनेट का साइन बनाना है, आई कैप जे कैप के कैप, सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको आई जे के कैप, फिर उसके बाद अपना फर्स्ट वेक्टर आपका ये, इसके कंपोनेंट लिखिए, यहाँ पे ए वन है बी वन और सी वन, इसका मतलब ए वन बी वन और सी वन, ऐसे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट ए टू बी टू और सी वन, ये होती है डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो आप इस फॉर्म का यूज करते हुए भी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। करने का रूल आपको पता है, नहीं पता तो एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। सबसे पहले यहां लिखिए आई कैप और दो पैरेलल लाइन यूज करिए, ठीक है, ये साइन नेगेटिव का लेते हैं तो माइनस का जे कैप लिखिए, फिर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए,
प्लस का के कैप लिखिए और फिर टू का एनालाइज। यहां तक समझा क्या आपको? कैसे करना है? आई जे के लिखना है, आई जे के, और मिडिल टर्म का साइन क्या लिखना है? नेगेटिव। अब कैसे करते थे? जो आई है, हम जब आई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आई पे मार्कर रखो, यहां भी मार्कर, रो में भी और कॉलम में भी। तो कॉलम में और रो में कट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, उसको यहां लिख लेते हैं, बी वन बी टू सी वन सी। ऐसे ही जब जे की बात करते हैं तो इस पे मार्कर रखिए और जे कॉलम में भी, रो और कॉलम में रखेंगे तो क्या रह जाएगा, ए वन ए टू सी वन सी टू। ऐसे ही जब के की बात करेंगे, कॉलम रिमूव कर दो, रो रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा ये, ए वन बी वन ए टू बी। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं इसका रिजल्ट, यहां पर हाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बी वन इंटू सी टू, बी वन इंटू सी टू माइनस सी वन इंटू बी वन पी टू माइनस के जे कैप, ए वन सी टू माइनस के ए टू सी वन प्लस के ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा आपका, ए क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूला किससे बन जाएगा आपका, ये है आपका डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हो, यदि ये अप्लाई करना नहीं आता, फॉर्मूला याद नहीं होता, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला इस टाइप से एक्सपेंड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, प्लीज मेक अ नोट। अब एक टॉपिक और करते हैं, रिलेशन बिटवीन द स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, टॉपिक क्या करेंगे अब, रिलेशन बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, उस आप फॉर्मूले को ड्राइव कर ना, हम यहाँ पे एक थोड़ा सीखेंगे बेसिक आया कहाँ से, अदरवाइज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पता है, वी नो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, यहां पे सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, टेकिंग मैग्नीट्यूड। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही रहेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे वो भी सेम रहेगा, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और एन कैप का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वन। इसका मतलब आपका रिजल्ट ये आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार और स्केलिंग कर देता हूँ, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, यहां हम स्केलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए क्रॉस बी का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहां ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये a क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a मॉडुलस का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, तो मैं इसको लिख देता हूं अलग अलग, इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
क्योंकि जब आप इसकी वन से करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, कॉस स्क्वायर से, तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए क्या है, ये तो सिंपल स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो ये तो सिंपल क्या बन गया आपका, ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू एज इट इज, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस में ये इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का। समझ आया आपको, यहां नोट करिए, प्लीज मेक अ नोट, जिसको यहां दिखाई नहीं दिया देखो यहां से, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल, यहां पे तो ये वैल्यू सेम आई, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या बन गया सिंपल आपका, ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर। तो यही आपकी क्या बन गई रिलेशन, यदि आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो वो दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में दोनों की डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर। ये है आपकी रिलेशन बिटवीन द क्रॉस प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट, कई सारे क्वेश्चन में ये भी यूज होती है, तो प्लीज मेक अ नोट। ये वीडियो अब यहीं तक, और इससे रिलेटेड जो न्यू कॉन्सेप्ट होंगे उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यदि आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।